गुड मॉर्निंग क्लास। आज भूगोल की कड़ी में, विश्व के भूगोल में आपको मैंने फ्रांस, जर्मनी, यूके, बहुत से देशों का अध्ययन करा दिया। आज हम रूस के बारे में अध्ययन करेंगे। देखते हैं, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि विश्व का सबसे बड़ा देश, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश रूस है। विश्व का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश रूस है। रूस और तुर्की दो ऐसे देश हैं जो दो महाद्वीपों में हैं, एशिया और यूरोप। तो हम रूस के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। देखते हैं, रूस, रूस की राजधानी मास्को है और मास्को मस्काबा नदी के किनारे स्थित है। रूस की राजधानी मास्को है, मास्को मस्काबा नदी के किनारे स्थित है। सीधे क्वेश्चन पूछेगा वो, रूस की राजधानी क्या है? मास्को। मास्को किस नदी के किनारे स्थित है? मस्काबा। रूस की राजधानी क्या है? मास्को। मास्को किस नदी के किनारे स्थित है? मस्काबा। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, रूस की करेंसी क्या है या रूस की मुद्रा क्या है? रूबल। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? रूस। रूस एक ऐसा महाद्वीप है, अभी मैंने आपको बताया, रूस और तुर्की दो ऐसे देश हैं जो दो महाद्वीपों में पड़ते हैं, एशिया और यूरोप। रूस का जो विकसित वाला क्षेत्र है, यानी रूस दो हिस्से में है, एक है विकसित क्षेत्र, एक है इसका विकासशील क्षेत्र, मतलब विकासशील नहीं, यानी एक एक क्षेत्र है विकसित जो डेवलप्ड हो गया है, एक वो क्षेत्र जो अभी डेवलप्ड नहीं है, अनडेवलप्ड है। तो रूस का जो विकसित क्षेत्र है वो यूरोप महाद्वीप में आता है। यूरोपीय रूस को एशियाई रूस से यूराल पर्वत, यूराल नदी और कैस्पियन सागर अलग करते हैं। 1991 में रूस जो था वो यूएसएसआर था, यूनाइटेड स्टेट्स सोवियत एंड रशिया। 1991 में सोवियत संघ टूट गया और 15 नए राष्ट्रों का उदय हुआ, जिसमें से 3 बाल्टिक राज्यों को छोड़कर 12 राज्यों को एक स्वतंत्र राष्ट्र कुल बना दिया, जिसको इंग्लिश में कहते हैं CIS, और जिसका हेडक्वार्टर क्या है? बेलारूस की राजधानी मिंस्क। ठीक है, रूस में समय जोन कितने हैं? 11, जिसमें 8 इस्तेमाल होते हैं, 8 का यूज़ किया जा रहा है। ठीक है, रूस का डेट्राइट कौन सा है? निजनी नौग्रह। डेट्राइट क्या होता है? जहाँ पर कारें बनती हैं। विश्व में सबसे ज़्यादा कारें यूएसए के डेट्राइट शहर में बनती थी, इसलिए वहीं से हर देश में जहाँ जहाँ पर कारें बनती हैं, उस देश के उस शहर को उस देश का डेट्राइट कहा जाता है। रूस का डेट्राइट निजनी नौग्रह को कहते हैं। भारत का डेट्राइट पूछेगा तो पीतमपुरा नई दिल्ली को कहते हैं। रूस का मैनचेस्टर इवानोवा को कहते हैं। मैनचेस्टर वो होता है जहाँ पर सूती कपड़े के ज़्यादा कारखाने हों। रूस का पिट्सबर्ग तूला को कहते हैं। पिट्सबर्ग वो होता है जहाँ पर लोहे के कारखाने हों। रूस के उत्तर में बेरेंट सागर, पूर्वी साइबेरिया और चुकची सागर है, जबकि रूस के पूरब में बेरिंग सागर। जी भाई, ये बेरेंट सागर है, ये बेरिंग सागर है। ओखोस्टक सागर, जापान सागर, बेरिंग जल संधि है। रूस के पश्चिम में फिनलैंड की खाड़ी, नॉर्वे, लाटाबिया, बेलारूस, एस्टोनिया, फिनलैंड। रूस के दक्षिण में चीन, मंगोलिया, कजाकिस्तान, अजरबैजान, जर्जिया, काला सागर है। आज हम मैप से देखते हैं रूस के बारे में आगे। भैया जी, येलो वाला हिस्सा है जो पीला पीला, ये रूस है। विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? रूस। रूस और तुर्की, देखो रूस और तुर्की, ये रूस रहा, ये तुर्की, दो ऐसे देश हैं जो रूस में, जो एशिया में भी हैं और यूरोप में भी हैं। रूस का कितना परसेंट हिस्सा? रूस का विकसित क्षेत्र जो है वो यूरोप में है। ठीक है, रूस का जो विकसित क्षेत्र है वो यूरोप में है। इसके बाद भैया, जो विकसित एरिया है वो पश्चिम का है, यानी यूरोप में है। और रूस का जो पूर्वी हिस्सा है, रूस का जो पूर्वी हिस्सा है, देखिए, रूस का जो पश्चिम वाला हिस्सा है, ये वाला, यहाँ वाला, ये यूरोप में है, जबकि रूस का पूर्वी हिस्सा है जी एशिया में। और आपको ये बता दें कि विश्व का सबसे ठंडा स्थान बर्खोयांस्क है, जो कि रूस में ही पड़ता है और रूस के उस हिस्से में पड़ता है जो एशिया में है। तो ये रूस का जो पूर्वी हिस्सा जो एशिया में पड़ता है, यहाँ पर बर्फ ही बर्फ गिरती है। ठीक है, इसके बाद यूरोपीय रूस को एशियाई रूस से यूराल पर्वत, यूराल नदी, कैस्पियन सागर के अलग करते हैं, ये यहाँ पर हैं। इसके बाद भैया, रूस के दक्षिण में मंगोलिया है और मंगोलिया के दक्षिण में चीन है। तो रूस के दक्षिण में मंगोलिया, मंगोलिया दक्षिण में चीन है। तो रूस और चीन के बीच एक नदी बॉर्डर बनाती है, उस नदी का नाम है आमूर। क्या नाम है? आमूर नदी। इसी ओखोस्टक सागर में गिरती है। कहाँ गिरती है? ओखोस्टक सागर में। और ओखोस्टक सागर के पूरब में एक प्रायद्वीप है, उसका नाम है कमचटका प्रायद्वीप। कौन सा प्रायद्वीप? कमचटका प्रायद्वीप। एक क्वेश्चन बताया हमने, रूस के पूरब में क्या क्या है? बेरिंग सागर है, ओखोस्टक सागर है, जापान सागर है, बेरिंग जल संधि। देखिए, तो रूस के पूरब में ये रहा आपका बेरिंग सागर और बेरिंग जल संधि, ये रही बेरिंग जल संधि। ठीक है, ओखोस्टक सागर, ये रहा ओखोस्टक सागर, ओखोस्टक सागर हो गया, बेरिंग सागर हो गया, और
देखो ये बेरिंग सागर, ये दिख रहा है, ये ओखोत्सक सागर दिख रहा है, ठीक, ये बेरिंग जलसंधि है यहीं पर, इसके पीछे देखो जी रही, बेरिंग जलसंधि, बेरिंग सागर, ओखोत्सक सागर और जापान सागर भैया। तो जापान सागर आपका ये रहा, ये रूस के पूर्व हिस्सा है, ठीक है, रूस के पूर्व में जापान सागर, बेरिंग सागर, ओखोत्सक सागर और बेरिंग जलसंधि है, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि बेरिंग जलसंधि, ये रही बेरिंग जलसंधि, क्वेश्चन आ जाए कि बेरिंग जलसंधि किन दो महाद्वीपों को अलग करती है, तो एशिया, देखो जी एशिया पीला वाला हिस्सा रूस का जो है, तो एशिया और ये इधर दिख रहा है ऑरेंज ऑरेंज भगवा कलर, ये अमेरिका है यानी उत्तरी अमेरिका, तो रूस को अलास्का से बेरिंग जलसंधि अलग करती है, लेकिन वो पूछेगा कौन से महाद्वीप को, कौन से महाद्वीप से बेरिंग जलसंधि अलग कर रही, तो एशिया को उत्तरी अमेरिका से बेरिंग जलसंधि अलग करती है। लेकिन अगर वो ये कह दे कि बेरिंग जलसंधि किन दो देशों को अलग करती है, तो बेरिंग जलसंधि रूस को उत्तरी अलास्का से अलग करती है, बेरिंग जलसंधि रूस को यूएसए के अलास्का शहर से अलग करती है, ठीक है। लेकिन आपको पूछ दे कि बेरिंग जलसंधि किन दो महाद्वीपों को अलग करती है, रूस को उत्तरी अमेरिका से, किन दो देशों को, रूस को यूएसए से, किन दो महाद्वीपों को, एशिया को एशिया को उत्तरी अमेरिका से, कौन कौन देशों को, रसिया को यूएसए से, कोई दिक्कत, बोलिए। अगर यहीं पर और कितने क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे क्वेश्चन यहीं नोट करा देते हैं। क्वेश्चन आएगा कि यूएसए और उत्तरी अमेरिका के बीच कौन सी जलसंधि सीमा बना रही, तो बेरिंग जलसंधि, कौन सी, फिर इसी में क्वेश्चन आता है कि बेरिंग जलसंधि किस तिथि रेखा के पैरेलल है या किस रेखा के समानांतर है, तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के समानांतर है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा 180 डिग्री में, कितने पैर है, तो 180 डिग्री देशांतर रेखा के पैरेलल यानी समानांतर बेरिंग जलसंधि है, कौन जलसंधि है, क्लियर हुआ। इसके बाद मैंने आपको बताया कि रूस के पूर्व में ओखोत्सक सागर, बेरिंग जलसंधि और जापान सागर है। फिर मैंने आपको बताया रूस के दक्षिण में मंगोलिया है, मंगोलिया दक्षिण में चीन है, रूस और चीन की जो सीमा बना रही नदी है उसका नाम है आमुर नदी, आमुर नदी कहाँ गिर रही, ओखोत्सक सागर में, ओखोत्सक सागर के पूर्व में ही एक प्रायद्वीप है उसका नाम है कमचटका प्रायद्वीप, कम लोग जानते हैं इसलिए मैंने आपको यहाँ पर इंगित किया कि कमचटका प्रायद्वीप यहीं है। और भाई एक चीज़, जो हिस्सा जो डेवलप्ड एरिया है वो यूरोप में है, जो अनडेवलप्ड एरिया है वो एशिया में है, विश्व की सबसे गहरी झील बैकाल झील है जो कि रूस में है और वो एशिया के अंतर्गत आती है, ठीक है भैया, हेलो, विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी, बैकाल झील, और बैकाल झील रूस के किस हिस्से में आती है, एशिया वाले हिस्से में, ठीक है। और भैया बैकाल झील के दक्षिण में हम आए, बैकाल झील के दक्षिण में जब हम आए तो मंगोलिया मिला हमें, कौन सा देश मिला, मंगोलिया की राजधानी उलान बटेर है, क्या है, विश्व का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल इसी मंगोलिया में है, ठीक है, मंगोलिया की राजधानी उलान बटेर है और यहाँ की करेंसी है तुगरिक, क्या है। और भैया इसी मंगोलिया के दक्षिण में हम आए तो चीन मिला, क्या मिला, तो रूस और चीन की सीमा जो नदी बना रही है कौन सी, आमुर नदी, आमुर नदी किस सागर में गिर रही है, ओखोत्सक सागर, क्लियर हो गया, समझ आ गया। अब हम आगे और देखते हैं, ये हमने बेरिंग सागर बात, बेरिंग जलसंधि वाला बता दिया, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के समानांतर है, क्वेश्चन आएगा अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण कब हुआ था, 1880 में, कब हुआ था, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण कब हुआ, 1880 में। अगला क्वेश्चन आ गया कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण किस सभा में हुआ, वॉशिंगटन सभा में 1884 में। भैया जो क्वेश्चन बोल रहे हैं इसको राइट करती जाइए, लिखते जाइए, ठीक है, इसमें नहीं लिखा हुआ है। इसके बाद हम आगे देखते हैं, रूस के उत्तर में बेरेंट सागर, पूर्वी साइबेरिया चुकची सागर, अब देखते हैं, देखिए रूस के उत्तर में बेरेंट सागर है, बेरेंट सागर ये रहा भैया, देखो बेरेंट सागर यहाँ भी है, चुकची सागर और पूर्वी साइबेरियन, देखो यही तीन है, तो रूस के उत्तर में बेरेंट सागर, पूर्वी साइबेरियन सागर, चुकची सागर है, ठीक है भैया। और जो चुकची सागर है ये रूस को यूएसए से अलग करता है, ठीक है, या एशिया को उत्तरी अमेरिका से अलग करता है, ठीक। रूस के पश्चिम में फिनलैंड की खाड़ी, नॉर्वे, लाटविया, बेलारूस, एस्टोनिया, फिनलैंड, देखो रूस के, ये रूस है, रूस के पश्चिम में हमने क्या बताया, फिनलैंड बताया, फिनलैंड की खाड़ी बताई, क्या बताया, देखो फिनलैंड की खाड़ी बताई, नॉर्वे बताया, लाटविया, बेलारूस, एस्टोनिया, फिनलैंड। तो अब देखेंगे रूस के पश्चिम में सबसे पहले देश देखें एस्टोनिया, देखो ये रहा आपका एस्टोनिया, मिल गया, ठीक है, एक चीज़ क्लियर हो गई। दूसरा वो क्या कह रहा है, बेलारूस है, बेलारूस, एस्टोनिया, लाटविया, बेलारूस, एस्टोनिया, लाटविया, देखो बेलारूस, एस्टोनिया, लाटविया, तीन देश हो गए। देखो एस्टोनिया की राजधानी तालिन, लाटविया की रीगा, बेलारूस की मिंस्क, तीन हो गए। कहाँ तक बता दिया था,
तो रूस के पश्चिम में फिनलैंड की खाड़ी है और नॉर्वे, लाटविया, बेलारूस, एस्टोनिया, फिनलैंड है। अब देखिए रूस, रूस के पश्चिम में फिनलैंड देश है, जिरा फिनलैंड, एस्टोनिया देश है, ठीक है। फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी है, एस्टोनिया की राजधानी तालिन है, लाटविया की रीगा है, लिथुआनिया की बिल्ना है, बेलारूस की मिन्स्क है, 1, 2, 3, 4, 5 और नॉर्वे भी देश है, और नॉर्वे की राजधानी क्या, ओस्लो। ये सारे देश रूस के पश्चिम में, और यहीं पर कौन सी खाड़ी है आपकी, जरा नॉर्वे, यहीं पर कौन सी खाड़ी है आपकी, फिनलैंड की खाड़ी भी है, यानी रूस के पश्चिम में फिनलैंड की खाड़ी भी है। देखिए ये रूस जिरा, यहाँ पर नॉर्वे, ये आपका है फिनलैंड, और जिरा फिनलैंड के दक्षिण में हेलसिंकी है, सॉरी फिनलैंड के दक्षिण में फिनलैंड की खाड़ी है, यानी फिनलैंड और एस्टोनिया के बीच में फिनलैंड की खाड़ी है, ये रही। देखिए फिनलैंड के दक्षिण में, एस्टोनिया के उत्तर में कौन सी खाड़ी, फिनलैंड की खाड़ी। मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको बताया कि रूस के पश्चिम में, रूस के पश्चिम में फिनलैंड की खाड़ी, नॉर्वे, लाटविया, बेलारूस, एस्टोनिया, फिनलैंड आते हैं, ठीक है। अब रूस के दक्षिण में कहाँ आता है, चीन, मंगोलिया। तो देखो रूस के दक्षिण में चीन तो दिखाई दिया हमने, मंगोलिया दोनों बता ही दिए, कजाकिस्तान, रहा भैया ये रहा कजाकिस्तान। कजाकिस्तान में एक चीज़ लिखेंगे कि एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा स्थल अवरुद्ध देश कौन सा है, कजाकिस्तान, कौन सा है। और भैया यहीं पर एक चीज़ और बता रहे हैं, कजाकिस्तान के दक्षिण में अरल सागर है, और अरल सागर के दक्षिण में उज्बेकिस्तान है, यानी कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के बीच जो झील है, उस झील का नाम है अरल सागर झील, कौन सी झील, कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के बीच जो झील है, उस झील का नाम क्या है, अरल सागर झील। कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के बीच झील का नाम क्या है। रूस के दक्षिण में कौन कौन देश बताए हमने, कजाकिस्तान, मंगोलिया, चीन, तीन देश बताए, समझ आया। आगे अजरबैजान, जॉर्जिया, काला सागर। देखो भैया अजरबैजान की राजधानी बाकू है, जरा अजरबैजान, काला सागर जरा, और क्या है, और जॉर्जिया, जॉर्जिया ये रहा, जरा जॉर्जिया, जॉर्जिया की राजधानी है तिब्लिसी, अजरबैजान की राजधानी बाकू, और ये काला सागर। मतलब मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको बताया कि रूस के दक्षिण में चीन है, मंगोलिया है, कजाकिस्तान है। तो भैया हमने बताया कि रूस और चीन की जो सीमा बना रही है, उस नदी का नाम है आमूर नदी, क्या नाम है, आमूर नदी। फिर मैंने आपको मंगोलिया के बारे में बताया कि मंगोलिया जो है वो रूस और चीन के बीच में एक देश है, और मंगोलिया में गोबी का मरुस्थल है, जो कि विश्व का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल है। मंगोलिया की राजधानी उलान बटेर है, और मंगोलिया की जो करेंसी है वो तुगरिक है, ठीक है। इसके बाद रूस के दक्षिण में कजाकिस्तान भी है, कजाकिस्तान एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा स्थल अवरुद्ध देश है, कैसा देश है, स्थल अवरुद्ध। स्थल अवरुद्ध का मतलब होता है जिसके चारों ओर समुद्र ना हो, बल्कि क्या हो, जमीन ही जमीन हो। एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा स्थल अवरुद्ध देश कजाकिस्तान है। कजाकिस्तान के अलावा अजरबैजान भी एशिया महाद्वीप के दक्षिण में, एशिया के नहीं, रशिया के, सॉरी। अजरबैजान की कैपिटल है बाकू, जॉर्जिया, जॉर्जिया की राजधानी है तिब्लिसी, और ये काला सागर है। भैया इसी काला सागर में काली मिट्टी पाई जाती है। आपको बताया था हमने कि काली मिट्टी को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चेर्नोजेम कहते हैं, और ये यूक्रेन, काला सागर और ग्रेट लेक्स के पश्चिम में पाई जाती है। क्लियर हुआ, इसके बाद समझ आया, अच्छे से आया। तो भैया रूस के बारे में मैंने आपको बताया, हमें एक बार पुनः बता देता हूँ, ध्यान समझ लें आप। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश रूस है। रूस की राजधानी मास्को है, मास्को मस्कावा नदी किनारे स्थित है। रूस की करेंसी रूबल है। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है, रूस। रूस दो महाद्वीपों में है, एशिया में भी है और यूरोप में भी है। विश्व के ऐसे देश, क्वेश्चन आ जाए, विश्व के ऐसे देश बताइए जो दो महाद्वीपों में है, तो आपका रूस है और आपका तुर्की है, और ये दोनों एशिया और यूरोप दोनों में। रूस इतना ज़्यादा विकसित है कि रूस के एक हिस्से में दिन और एक हिस्से में रात रहती है। रूस इतना ज़्यादा डेवलप्ड है कि इसके एक क्षेत्र में क्या होता है, दिन, और एक हिस्से में क्या होती है, रात। रूस का जो विकसित हिस्सा है वो यूरोप में पड़ता है, ठीक है। यूरोपीय रूस को एशियाई रूस से यूराल पर्वत, यूराल नदी, कैस्पियन सागर अलग करते हैं। क्वेश्चन आएगा विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है, विश्व की सबसे खारी झील, सॉरी, विश्व की सबसे खारी झील आएगी तो कैस्पियन सागर रूस में। और भैया रूस का जो हिस्सा एशिया में पड़ता है उसी में आपकी बैकाल झील है, जो कि विश्व की सबसे गहरी झील है। क्या झील है, गहरी झील। 1991 में पहले यूएस, जो रूस है वो यूएसएसआर था, यानी सोवियत संघ था। 1991 में सोवियत संघ टूट गया, और टूटने के बाद 15 नए राष्ट्र बने,
जिसमें से 3 बाल्टिक राज्यों को छोड़कर 12 राज्यों ने CIS एक माना राष्ट्रकुल बना लिया, जिसका हेडक्वार्टर बेलारूस की राजधानी मिन्स्क है। और बेलारूस जो है वो रूस के पश्चिम में है। देखो भाई, रूस के पश्चिम में आया बेलारूस। रूस में समय जोन 11 हैं, इसमें 8 इस्तेमाल होते हैं। समय जोन का होते हैं जैसे भारत में समय जोन का है, भारत में जो मानक समय रेखा है वो इलाहाबाद की नैनी से होकर गुजरी है, ठीक, इसमें 8 है, इतना विशाल है ये। रूस का डेट्राइट निजनी नौग्रह को कहते हैं। डेट्राइट वो होता है जहाँ पर कारें बनती हूँ, कोई दिक्कत। भारत का डेट्राइट किसे कहते हैं? पीतमपुर, नई दिल्ली। और विश्व का जो डेट्राइट है वो USA में है। रूस का डेट्राइट क्या है? निजनी नौग्रह। रूस का मैनचेस्टर क्या? इवानोवा। मैनचेस्टर क्या होता है? जहाँ पर सूती कपड़े के कारखाने होते हैं। रूस का पिट्सबर्ग तूला। भैया जैसे अगर क्वेश्चन आ जाए भारत का मैनचेस्टर तो अहमदाबाद, और अगर क्वेश्चन आ जाए भारत का पिट्सबर्ग तो जमशेदपुर। पिट्सबर्ग वो होते हैं जहाँ पर लोहे के कारखाने हों। रूस के पूरब में बेरिंग सागर, ओखोत्स्क सागर, जापान सागर, बेरिंग जल संधि है। रूस के दक्षिण में मंगोलिया है, और मंगोलिया दक्षिण में कहाँ है? चीन। रूस और चीन के बीच एक नदी सीमा बनाती है, उस नदी का नाम है आमू नदी। आमू नदी किस सागर में गिर रही? ओखोत्स्क सागर। ओखोत्स्क सागर के पूरब में कौन सा प्रायद्वीप? कमचटका। रूस के पूरब में बेरिंग सागर है, ओखोत्स्क सागर है, जापान सागर है, बेरिंग जल संधि है। बेरिंग जल संधि जो है वो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के समानांतर है, यानी 180 डिग्री देशांतर रेखा के पैरेलल है। रूस के उत्तर में बेरेंट सागर, पूर्वी साइबेरिया, चुपची सागर है। रूस के पश्चिम में फिनलैंड की खाड़ी, नॉर्वे, लाटविया, बेलारूस, एस्टोनिया, फिनलैंड। क्वेश्चन आ जाए नॉर्वे की राजधानी क्या है? ओस्लो। लाटविया की राजधानी क्या है? रीगा। एस्टोनिया की क्या है? तालिन। बेलारूस की क्या है? मिन्स्क। फिनलैंड की क्या है? हेलसिंकी। और भैया नोकिया का मोबाइल चलाते थे अपन लोग, सबसे शुरुआत है नोकिया ही आया था, नोकिया कंपनी फिनलैंड की है। रूस के दक्षिण में चीन, मंगोलिया, कजाकिस्तान, अजरबैजान, जॉर्जिया, काला सागर है। कजाकिस्तान के बारे में सुनिए, विश्व का सबसे बड़ा स्थल अवरुद्ध देश, एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा स्थल अवरुद्ध देश कौन सा है? कजाकिस्तान। एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा स्थल अवरुद्ध देश कौन सा है? कजाकिस्तान। कजाकिस्तान के दक्षिण में अरल सागर है, और अरल सागर के दक्षिण में उज्बेकिस्तान है। यानी जैसे ये रहा, ये आपकी अरल सागर झील है, और इसके उत्तर में क्या है? कजाकिस्तान। इसके दक्षिण में क्या है? उज्बेकिस्तान। क्वेश्चन आएगा कजाकिस्तान तथा उज्बेकिस्तान के बीच कौन सी झील है? अरल सागर, ठीक है भैया। अब आपने देख लिया पूरा रूस के बारे में। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और जो लोग चैनल पर नए आए हों वो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।